हरी लाल की, कृष्ण कन्हैया की, यमुना मैया की, भारत माता की, भारत माता की। बहनों और भाइयों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आज पावन पर्व है। हमारी शास्त्रीय मान्यता के अनुसार 5251 वर्ष पूर्व श्री हरि भगवान श्री विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में इसी स्थान पर लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने मां देवकी और वासुदेव जी के सुपुत्र के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होकर के धर्म सत्य और न्याय की स्थापना का कार्य त्रेता द्वापर युग में पूर्ण करके हम सबके सामने श्रीमद् भगवत गीता के अपने उन शाश्वत मंत्रों के माध्यम से एक नई संजीवनी दी है। आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आप सभी श्रद्धालुजन यहां पर दर्शनार्थ आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। प्रदेशवासियों को श्री 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 कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं और प्रभु से यही कामना करता हूं सुख और समृद्धि। उनकी कृपा से हमारे प्रदेश पर, हमारे देश पर बरसता रहे और जिस धर्म के पथ का अनुसरण करने, जिस सत्य और न्याय की स्थापना का संदेश उन्होंने आज से 5000 वर्ष पूर्व दिया था, हम उस मार्ग का अनुसरण करते हुए लोक मंगल के और राष्ट्र मंगल के अभियान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य कर सके, इसके लिए आप सबके प्रति मैं हृदय से एक बार फिर से बधाई देता हूं और मेरी कामना करता हूं कि आपको इसके सत्य दे कि आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन मंगलमय हो, शुभ हो और आप सभी मिलकर के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना जो सब कुछ अच्छा हो सकता है और सर्वश्रेष्ठ योगदान करने के लिए तैयार हो सके। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार फिर से हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं।